राइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में, जिनका एक न्यू सॉन्ग आउट होने वाला है 18 नवंबर को, जिसका टीजर आउट हो चुका है आज यानी 16 नवंबर को प्ले डीएमएफ हरियाणवी के यूट्यूब चैनल पर। इस सॉन्ग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट से उनके एक फैन ने Q&A के टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा कि पटाखे क्यों नहीं फोड़े इस साल। रिप्लाई देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा। सबसे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। सोशल मीडिया की ना यही एक प्रॉब्लम है, जो काम आप स्क्रीन पे या सोशल मीडिया इंस्टा पे आप ना दिखाओ, लोगों को लगता है आपने किया ही नहीं। बट मैं ये नहीं कह रहा मैंने पटाखे फोड़े भाई, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है, आदर करते हैं। बट मैं जस्ट कह रहा हूँ एक बात कि वही बात समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं UK07 राइडर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने कल वाले वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था कि कैसे UK07 राइडर शो को एग्जिट करना चाहते थे, एंड उसके बाद बिग बॉस ने उन्हें कन्फ्रंट करते हुए बताया था कि क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड उन्होंने शो के होस्ट सलमान खान पर भी एक एलिगेशन लगाया कि बार बार उनकी कम्युनिटी को ड्रैग किया जाता है, उनके फैंस यानी ब्रो सेना को ट्रोल किया जाता है, मॉक किया जाता है जब भी उनके बारे में कोई बात होती है। जिस पर बिग बॉस ने कहा था कि सलमान खान लास्ट 13-14 ईयर से शो को होस्ट कर रहे हैं, आज तक उन पर किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली। तो अब अनुराग डोवल को लेकर ये अपडेट आ रही है कि इस वीकेंड के वार पर उनको सलमान खान से इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी डांट पड़ सकती है। हालांकि कोई ऑफिशियल प्रोमो अभी आउट नहीं हुआ है, पर सोशल मीडिया पर ये न्यूज काफी सर्कुलेट कर रही है। टॉकिंग अबाउट UK07 राइडर, तो उनके इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की गई सेइंग ब्रो सेना एक गुड न्यूज चाहिए आपको, आई नो पिछले कुछ दिन मुश्किल रहे हैं पर 2-3 दिन में एक वीडियो आएगी उसके बाद डेली व्लॉग्स वापस से शुरू, रोसीना तैयार हो फुल पावर मस्तियां इन व्लॉग। उनकी नेक्स्ट स्टोरी में एक रील अपलोड की गई जहां पर वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को शो में ड्रैग किया जा रहा है एंड उनके फैन बेस को एंड कम्युनिटी को मॉक किया जा रहा है एंड ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा आई नो थोड़ा मुश्किल है, सब तेरे अगेंस्ट है पर भरोसा रख सब बदलेगा, ऊपर वाला है तेरे साथ, तेरा दिल सबको पता है। UK07 राइडर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट अब बात करते हैं नाना पाटेकर के बारे में, जिनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पर। आप पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो पर आज उन्होंने क्लेरिफिकेशन देते हुए बताया कि उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है पर वो उनके एक फिल्म का सीक्वेंस चल रहा था वहाँ पर एंड उसकी रिहर्सल करते टाइम पीछे किसी को आना था एंड उन्हें उसे मारना था एंड उसकी एक रिहर्सल हो भी चुकी थी, दूसरी रिहर्सल होने वाली थी ऐसा उनसे डायरेक्टर ने कहा था। वो रिहर्सल करना शुरू ही करने वाले थे इतने में वो बच्चा पीछे से आ जाता है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि वो कौन है, उन्हें ऐसा लगा कि वो उनका ही मेंबर है क्रू का एंड उन्होंने उसी हिसाब से सीन को परफॉर्म किया। उन्हें बाद में पता चला कि वो उनका बंदा नहीं था एंड जब तक वो उसे बुलाने गए तब तक वो भाग चुका था। उन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा कि गलतफहमी कोई है तो माफ कर दो, हम ऐसा किसी के साथ नहीं करते। वीडियो पर कोई ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।